बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ऑफ परसेप्शन व्हिच इज द इल्यूजन। इल्यूजन इज द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। इल्यूजन इज अ वर्ड व्हिच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड ल्यूडस। ल्यूडस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। दैट मीन्स ड्यूरिंग अ प्ले टू डिसीव द ओपोनेंट, खेल के दौरान जो मुखालिफ है उसको धोखा देना। तो इल्यूजन में भी क्योंकि ऐसी ही सूरत हाल होती है कि जो चीज़ जैसी होती है हमें वैसी महसूस नहीं होती, हम धोखा खा जाते हैं, इसलिए इसको इल्यूजन का नाम दिया गया। तो इल्यूजन क्या है? इल्यूजन इज़ इनएक्यूरेट परसेप्शन ऑफ स्टिमुली और ऑब्जेक्ट। परसेप्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हम सेंसेशन को मीनिंगफुल बना लेते हैं तो वो जो है वो परसेप्शन बन जाती है, अंडरस्टैंड करना किसी भी चीज़ को। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ठीक, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से इल्यूजन इज़ द ऑपोजिट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन में हम ठीक अंडरस्टैंड करते हैं और इल्यूजन में हम धोखा खा जाते हैं और वो चीज़ जो है जैसी हमें महसूस हो रही होती है वो वैसी होती नहीं है। Illusion is sometimes produced because of vagueness and unclarity. Vagueness कहते हैं वो चीज़ जो कि गैर वाज़े हो, मुबहम हो और unclear हो। Senses are deceived in illusion. हमारी senses वैसे तो बिल्कुल sharp होती हैं, ठीक काम कर रही होती हैं, हर जो भी चीज़ जैसी होती है उसको वैसे ही nervous system तक पहुँचाती हैं और हम उसको वैसे ही sense करते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ड्यू टू न्यूमरस फैक्टर्स आवर सेंसेस आर डिसीव्ड, हमारी जो हवास हैं वो धोखा खा जाते हैं। तो जितने हमारे सेंसेशंस हैं उतने ही इल्यूजन, उन सब से रिलेटेड इल्यूजन्स हो सकते हैं, जैसे इल्यूजन ऑफ विजन, इल्यूजन ऑफ ऑडिशन यानी सुनने का इल्यूजन हो सकता है, गस्टेट्री एंड ऑल्फेक्शन का, टच का, इन सब का इल्यूजन हो सकता है। लेकिन वी मोस्टली रिसीव विजुअल क्यूज़ फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द इंसिडेंस ऑफ विजुअल इल्यूजन इज़ मच हायर। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि 80% ऑफ आर नॉलेज इज़ डिपेंडेंट अपॉन द विजुअल सेंसेशन। जो भी हमारी नॉलेज है उसका 80% हम देख कर हासिल करते हैं। सो the incidence of visual illusion is much more higher. So people of every age can experience illusion and it should not be taken as a disease or disorder. इसको कोई बीमारी हम नहीं कह सकते, हर एज के लोग जो हैं उनको illusion होता है। The biggest illusion of our life is the rotation of the earth and the sun. The earth is rotating but it feels like stationary to us and the sun that is stationary is seen rising and setting every day. हम रोज़ाना कहते हैं कि सूरज तुलू हुआ और सूरज गुरूब हो गया, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, सूरज तो मूव नहीं कर रहा। हमारी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है, मूवमेंट जो है वो अर्थ में है। लेकिन हम अर्थ पर रहते हैं तो हमें अर्थ स्टेशनरी लगती है, साकिन लगती है, और मून या सन जो है वो मूविंग लगते हैं। तो ये जो है ये बहुत कॉमन और बड़े इल्यूजन्स हैं हमारी लाइफ के। इसके अलावा इल्यूजन ऑफ मून भी हम कह सकते हैं कि जी मून जो है वो आज छोटा है, आज फुल है, आज कम हो रहा है, आज बढ़ रहा है, आज छोटा हो रहा है। तो एक्चुअली मून के साइज़ में कोई चेंज नहीं आता, उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट जो है वो कम या ज़्यादा होती है, जिससे उसका साइज़ हमें छोटा या बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ मून। तो नाउ कमिंग टू वर्ड्स द कॉजेज ऑफ इल्यूजन, क्यों होता है, कब होता है, क्या वजूहत हैं इसकी। तो पहला जो इसकी कॉज है दैट इज़ यहाँ पर एक लिस्ट भी है, बल्कि पहले आपको मैं बता दूँ कि इल्यूजन की एक और डेफिनेशन। एन इल्यूजन इज़ अ डिस्टॉर्शन ऑफ सेंसेस, how the brain normally organizes and interprets sensory stimulation, in short a false idea or a belief or a deceptive appearance. galat khayal aur ya deceptive, deceive kehte hain dhoka dene ko. to dhoka dhoke ki si kaifiyat jo hoti hai, jo look hota hai, wo jo hai wo illusion kehlata hai. तो कॉजेज़ जो हैं वो उसकी, और इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? एन ऑप्टिकल इल्यूजन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय विजुअली परसीव्ड इमेजेस दैट डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रियलिटी।
जो असल में चीज़ें होती हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं और हमें लग रहे होते हैं, तो इसलिए उसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। और कमिंग टुवर्ड्स द कॉजेज, तो फिज़िकल कॉजेज हैं इसमें, हैबिट एंड फेमिलियरिटी है, एक्सपेक्टेंसी एंड मेंटल सेट, मोमेंट्री स्टेट ऑफ माइंड और मूड, इनकम्प्लीट एनालिसिस ऑफ द कलेक्टिव इम्प्रेशन, परसेप्शन, सजेशन, अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुली। इनमें से कुछ जो है वो हमने देखनी है, उनको हम देख लेते हैं। जो पहली कॉज जो आपकी बुक में दी हुई है वो है सेंसरी थ्रेशोल्ड। आपने जब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन पढ़ी थी तो आपको मैंने बताया था कि हर सेंस ऑर्गन जो है वो एक रेंज ऑफ स्टिमुली को सेंस कर सकता है। वो रेंज कैसे है, या तो एक मिनिमम लेवल है किसी भी स्टिमुलस की एनर्जी का और एक मैक्सिमम लेवल है, उन दोनों के दरमियान में, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में जो स्टिमुलस फॉल करता है वो हम महसूस कर सकते हैं। जो स्टिमुलस बहुत वीक होता है, यानी जो कम से कम जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है उससे कम होता है, उसे हम महसूस नहीं कर सकते, और जो बहुत ज़्यादा होता है वो हमें वो भी हम फॉल्स उसका परसेप्शन करते हैं। आर सेंसेस हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली, शिद्दत, इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं। तो कोई भी चाहे लाइट हो या साउंड हो, उसकी एक हद होती है, एक मिनिमम होती है। जैसे साउंड के बारे में आपने पढ़ा था, 20 to 20,000 जो वाइब्रेशंस हैं पर सेकंड, उनको हमारे कान सुन सकते हैं। 20 से कम वाइब्रेशन होगी तो सुनाई नहीं देगी, और 20,000 से ऊपर होगी तो वो हमारी सेंसरी जो एबिलिटी है उससे बढ़ जाएगी, हम नहीं सुन पाएंगे उसको। जैसे एक्सरेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं आँखों के लिए, और इसी तरह से साउंड वेव्स जो बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं वो भी हमें सुनाई नहीं देती। जैसे चमगादड़ जो जैसे जितनी ऊंची साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है वो हमारे कान नहीं सुन सकते। इफ़ द स्टिमुलस एनर्जी इज़ लेस देन और मोर देन द रिक्वायर्ड लेवल, वी कैन नॉट डिटेक्ट द स्टिमुलस एंड आर दस डिसीव्ड। तो अगर बहुत वीक हो स्टिमुलस या फिर बहुत शिद्दत वाला हो, तो दोनों सूरतों में हमारे सेंस ऑर्गन उसको सही तौर पर समझ नहीं सकते और हम धोखा खा जाते हैं। तो यानी सेंसरी थ्रेशोल्ड जो दो होती हैं, एक को एब्सोल्यूट कहते हैं, कम से कम शिद्दत जो है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाती है, और स्टिमुलस की ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत जिसके बाद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए वो दैट इज़ कॉल्ड द टर्मिनल थ्रेशोल्ड। तो हर वो स्टिमुलस जिसकी रेंज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से कम या टर्मिनल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, वो बायस बनता है इल्यूजन का। दूसरी कॉज जो है वो है फिज़िकल डिफेक्ट। तो सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी का के ही पार्ट्स होते हैं, और वो नॉर्मली ठीक ही फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी डिसऑर्डर की वजह से, एज एसोसिएटेड चेंजेस की वजह से कुछ डिफेक्ट जो है वो हमारे सेंसेस में आ जाते हैं। इल्यूजन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाई फिज़िकल डिफेक्ट्स इन सेंसरी ऑर्गन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सीवियर कोल्ड इंटरफेयर्स विद द परसेप्शन ऑफ स्मेल। बहुत शदीद नज़ला या ज़ुकाम हो तो हमें हमारी सेंस की जो स्मेल की सेंस जो है वो मुतासर होती है, हम नहीं सुन सकते। जैसे कोविड की वजह से भी ये कहा जाता है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। अब ब्लिस्टर ऑन द टंग अफेक्ट्स गस्टेटरी परसेप्शन। आपके ज़बान के ऊपर अगर कोई दाना या छाला हो जाए तो उससे आपको की जायके की हिस मुतासर होगी, और ये कोल्ड या नज़ले से भी होती है। अमायोपिया विदाउट ग्लासेस फॉल्स प्रे टू इल्यूजन। मायोपी कहते हैं जिसकी नज़र कमज़ोर हो। तो अगर एक होती है मायोपिया जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, एक होता है हाइपरोपिया जिसकी करीब की नज़र ख़राब होती है। तो अगर किसी को दोनों में से कोई एक है तो वो चश्मे के बगैर, ग्लासेस लगाए बगैर चीज़ों को सही तौर पर समझ नहीं सकेगा। मसलन अगर उसकी दूर की निगाह ख़राब है और उसने चश्मा नहीं लगाया हुआ तो उसको दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आएंगी, जिससे वो धोखा खा जाएगा। अ डिफेक्ट इन ईयर मे गिव राइज टू ऑडिटरी इल्यूजन एंड हाई फीवर मे अफेक्ट टाइम परसेप्शन। अगर आपको आपके कानों में कोई प्रॉब्लम हो, सुनाई कम देता हो, तो भी आप सही तौर पर समझ नहीं सकते स्टिमुली को, और बहुत तेज़ बुखार जो है उसमें पता नहीं चलता कि
इस वक्त क्या वक्त हुआ है, दिन है या रात है, अगर बहुत शदीद हाई फीवर हो 102 104 डिग्री से भी ज़्यादा, तो उससे जो है वो इफ़ेक्ट ब्रेन के ऊपर हो जाता है, जिससे इंडिविजुअल जो है उसका उसको पता नहीं चलता टाइम फ्रेम का, टाइम परसेप्शन उसकी बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। तो ये एक इसकी कॉज है, यानी कोई भी डिफेक्ट, कोई भी ख़राबी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर हो, तो उससे भी हमारे सेंस ऑर्गन्स मुतासर होकर सही परसेप्शन नहीं करते और इल्यूजन या गलत परसेप्शन हम कर जाते हैं। फिर है जी हैबिट एंड फेमिलियरिटी। हैबिट एंड फेमिलियरिटी कैन ऑल्सो कॉज इल्यूजन इफ़ एन एक्विंटेंस ऑफ आर्स वेयर्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस। एक्विंटेंस कहते हैं हमारे जानने वाला, करीबी कोई भी रिश्तेदार या घर कोई भी साथी, वो एक ख़ास टाइप का ड्रेस पहनता है, वी गेट यूज्ड टू सीइंग हिम इन दैट ड्रेस, और हमें आदत हो जाती है उसको उस ड्रेस में देखने की। एट द साइट ऑफ सम अदर पर्सन वेयरिंग दैट ड्रेस, अगर कोई और शख्स वैसा या वही ड्रेस पहने हुए हो, वी टेक हिम फॉर आर एक्विंटेंस एंड दस फॉल प्रे टू इल्यूजन, हम धोखा खा जाते हैं और हम समझते हैं कि ये वही हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी दोस्त है जो स्कर्ट पहनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर स्कर्ट पहनती है, आप किसी और को स्कर्ट पहनते पहना हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये आपकी वही फ्रेंड है। तो ये जो है ये इल्यूजन होता है, ज़ाहिर है वो नहीं होती, कोई और होती है। इसी तरह से मेंटल रेडीनेस, व्हेन वी आर मेंटली रेडी टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, वी मिस इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्टेट एंड दस इल्यूजन इज प्रोड्यूस्ड। हम अगर ज़हनी तौर पर कोई काम करने के लिए तैयार हों तो हम जो उसके जब कोई और कोई सेंसरी इनपुट आ रहा होता है, कोई चीज़ सामने आती है, तो हम क्योंकि उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं लिहाजा हम धोखा खा जाते हैं। इसकी मिसाल ये है, द पैसेंजर्स वेटिंग फॉर अ बस टेक एवरी व्हीकल इन द डिस्टेंस फॉर अ बस, कोई भी सवारी आ रही होती है क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं बस का, जो भी सवारी दूर से आती हुई आ रही होती है तो उन्हें लगता है कि उनकी बस आ रही है। तो इसी तरह से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें कहा जाता है कि इसकी प्रूफ रीडिंग कर लें। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छपवाने से पहले उसकी गलतियों की इसलाह कर ली जाए, उसको ठीक कर लिया जाए। तो प्रूफ रीडिंग जो लिखता है किताब या जो जिसने पैराग्राफ लिखा होता है वो कभी भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेंटली एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो उसने ठीक लिखा है। द प्रूफ रीडर एक्सपेक्ट्स करेक्ट वर्ड्स एंड दस फेल्स टू डिटेक्ट एरर्स, लिहाजा वो अपनी गलतियाँ नहीं निकाल सकता। यही वजह है कि अक्सर जो राइटर्स होते हैं वो अपनी किताबों की प्रूफ रीडिंग खुद नहीं करते, वो और लोगों को देते हैं और दूसरे लोग जो हैं वो उसमें से गलतियाँ निकाल देते हैं। इसी तरह से वाइल वेटिंग फॉर अ फ्रेंड वी फील दैट द फ्रेंड हैज़ कम वेन एवर द डोर बेल रिंग्स, आप घर में अगर अपने किसी फ्रेंड के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जिस वक्त भी बेल बजती है, आपकी डोर बेल होती है, तो आपको लगता है कि आपका फ्रेंड आ गया, जबकि एक्चुअली अक्सर वो नहीं होता, कोई और होता है। इसी तरह से एक और कॉज इल्यूजन की है, वो है फॉल्स क्यूज़, गलत सिग्नल्स। समटाइम्स रॉन्ग और वेग क्यूज़ आल्सो कॉज इल्यूजन, इफ़ वी गो आउट इन द सन वेयरिंग सनग्लासेस इट फील्स लाइक ओवरकास्ट, कि आप जब धूप में सनग्लासेस लगाकर जाएं तो धूप तेज़ होने के बावजूद आपको लगता है कि जैसे ओवरकास्ट यानी बादल आए हुए हैं। तो ये फॉल्स क्यूज़ होते हैं जो हमारी ब्रेन को जाते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो फ़िल्टर होकर जा रही होती है और ऐसा लगता है जैसे बादल हैं। कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड हम कह सकते हैं, यानी स्टिमुली आर परसीव्ड विद रेफरेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट। द कॉन्टेक्स्ट सीन्स समटाइम्स गिव राइज टू इल्यूजन, जैसे एक ही आगे भी इसके जो एग्जांपल्स की जो टाइप्स हैं उनमें भी ये आएगा। फॉर एग्जांपल एक रेड रोज़ जो है, अगर आप उसको ग्रीन बैकग्राउंड में देखें तो वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत नुमाया नज़र आता है, लेकिन अगर उसको उसका बैकग्राउंड भी रेड हो, रेड फूल हो और उसका बैकग्राउंड भी रेड हो, तो वो हमें महसूस ही नहीं होगा कि मौजूद है। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट यानी जो भी इसके बैकग्राउंड होता है किसी भी चीज़ का, जैसे एक वाइट कलर के ऊपर एक ब्लैक डॉट बहुत क्लियर नज़र आता है, लेकिन अगर वही डॉट जो है वो ब्लैक पर हो तो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से स्टिमुली जो है उनका कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुली, ऑड कहते हैं अजीब को, तो ऐसे स्टिमुली जो कि अजीब तरीके से
बनाए गए हों या मौजूद हों और उनको हम समझ ना सकते हों, यानी वो कॉम्प्लिकेटेड हों, तो उनसे भी इल्यूजन प्रोड्यूस होता है. सिंपल स्टिमुली आर इजीली परसीव्ड व्हेन स्टिमुली आर ऑड और दे आर सो अरेंज एज टू कॉज मिस्टेक और डाउट, इल्यूजन इज प्रोड्यूस्ड. तो इसके लिए जो आगे एग्जांपल आएंगे उस पर से आपको पता चलेगा कि सिंपल जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरली परसीव हो जाती हैं, उनका हम उनको सही तौर पर समझ लेते हैं. लेकिन जिन चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी वजह से, जैसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, तो उसकी वजह से जो है वो धोखा खाने का इम्कान होता है. नाउ कमिंग टू वर्ड्स द टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स, तो यहाँ पर जो है वो 16 इल्यूजन की टाइप्स दी हुई हैं, लेकिन ये सब हमने नहीं करनी. उनमें से कुछ जो है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. तो उनमें से एक जो है इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है और इसकी तीन टाइप्स भी हैं और वो हमने हम सब टाइप्स जो है वो एक्सपीरियंस की हुई होती हैं. और इसके बाद फिर मैं आपको एक दो इमेजेस दिखाऊंगी जिसमें आपको देखकर ही इल्यूजन मूवमेंट फील होगी. तो मूवमेंट यानी हरकत करना, द परसेप्शन ऑफ अपेरेंट मूवमेंट इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट होती है दो तरह की, एक होती है एक्चुअल मूवमेंट और दूसरी होती है अपेरेंट मूवमेंट. एक्चुअल मूवमेंट क्या होती है, किसी भी चीज़ का एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक चले जाना, दिस इज़ द एक्चुअल मूवमेंट. अपेरेंट मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा नहीं रही लेकिन हमें फील हो रही है. जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक फिगर है, इसमें देखें, इस पर आप फोकस करें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जो ये ब्राउन लीव्स हैं ये इनमें वेव्स चल रही हैं, इसमें मूवमेंट आपको महसूस होगी. इसी तरह से ये जो है सर्कल्स, इसको भी अगर गौर से आप देखें तो इसको भी ये भी ऐसे ब्लिंक करते हुए और मूव करते हुए लगते हैं. एक्चुअली ये मूव नहीं कर रहे, लेकिन हमारी आँख के अंदर जब लाइट पास होती है तो जो रिसेप्टर्स के अंदर मूवमेंट होती है तो वो हमें यहाँ पर महसूस होती है. तो इसको कहते हैं अपेरेंट मूवमेंट. तो अपेरेंट मूवमेंट जो है वो दरअसल इल्यूजन क्रिएट करती है. अपेरेंट मूवमेंट जो है इसकी तीन टाइप्स हैं, मतलब इसको हम तीन तरह से महसूस कर सकते हैं. एक तो है ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट, फाई फिनोमिना एंड गैमा फिनोमिना. तो पहले हम देखेंगे ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है. ये हमने अक्सर एक्सपीरियंस किया होता है, अ स्टेशनरी स्पॉट ऑफ लाइट इज़ परसीव्ड टू बी मूविंग अंडर दिस इल्यूजन. इफ़ अ पर्सन गेजेज एट अ स्टेशनरी लाइट इन अ डार्क रूम, इट लुक्स टू बी मूविंग लेफ्ट एंड राइट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स. आप सब ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब कभी लाइट चली जाए तो उस कमरे में कोई एक अगर ब्राइट स्पॉट हो, जैसा कि आम तौर पर होता है कि ये जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर एक स्विच ऐसा होता है जिस जो कि शाइन करता है, हल्का सा महसूस उसको नज़र आता है अंधेरे में भी, तो इल्यूमिनेटेड होता है वो. अगर आप बहुत जेट डार्कनेस हो उसको देखें तो चंद सेकंड्स के बाद आपको लगेगा कि वो जो स्विच बोर्ड का वो स्विच है वो कभी राइट को मूव कर रहा है, कभी लेफ़्ट को मूव कर रहा है, उसमें मूवमेंट फील होती है. तो इस मूवमेंट को, और ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, काइनेटिक यानी हरकत करना. तो हमें हमारी जो माइंड है या हमारी जो रेटिनल रिसेप्टर्स हैं उनकी वजह से वो मूवमेंट महसूस होती है. एक्चुअली तो ज़ाहिर है वो मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन हम उसको अपनी तरफ से हरकत करता हुआ महसूस करते हैं. तो इस फिनोमिना को कहते हैं ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना. इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और ये एक्चुअली होता है. आप कभी एक्सपीरियंस करें, मैंने तो कई बार किया है, ऐसा होता है. इसके बाद जी ये आपको मैंने मूवमेंट दिखा बताई है कि ये जो है ये इस तरह से मूवमेंट फील होती है, ऐसा लगता है जैसे पत्ते जो हैं वो, जो ये ब्राउन लीव्स हैं, ये मूव कर रहे हैं वेव्स की फॉर्म में. और इसी तरह से ये जो सर्कल हैं ज़िगज़ैग से, ये भी हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं. इसी तरह से ये देखें, ये एक पैटर्न है जिसमें ब्लैक और वाइट डॉट्स नज़र आते हैं. आप जब आपसे अगर कहा जाए काउंट द ब्लैक डॉट्स, जैसे ही आप ब्लैक डॉट्स को काउंट करने की तरफ जाते हैं तो दे टर्न वाइट. जबकि ऐसा नहीं है, वो मतलब चेंज नहीं हो रहे, लेकिन हमें मूवमेंट फील हो रही है. वाइट और ब्लैक जो है वो डॉट्स मूव करते हुए महसूस होते हैं, तो ये भी एक इल्यूजन है. उसके बाद आ जाए फाइव फिनोमिना.
If the closely spaced electric lights are flashed on and off successively, and the interval between the one going off and the other coming on is very short, यानी lights हो, एक light A है और एक light B है, आप light A जलाते हैं और उसके बुझने के आधे सेकंड में दूसरी जल जाती है, फिर दूसरी के बुझने के आधे सेकंड में अगली जल जाती है, यानी दोनों जो हैं वो जलती और बुझती हैं और उनके जलने और बुझने के दरमियान का जो वक्फ़ा है वो बहुत ही छोटा होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइट्स मूव कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जंप कर रही हैं। नियॉन साइंस आप देखते होंगे, बिल बोर्ड जो बड़े बड़े होते हैं उनके ऊपर रात के वक्त जो हैं वो मूविंग लाइट्स होती हैं, सर्कल्स में लाइट्स मूव कर रही होती हैं और स्क्वायर्स में मूव कर रही होती हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ जो डेकोरेशंस होती हैं लाइट की मुख्तलिफ ओकेजन्स पर, मैरिज हॉल्स में, उनमें भी लाइटिंग मूविंग लाइट्स का इफ़ेक्ट होता है, तो लाइट्स मूव नहीं कर रही होती, उनको बहुत थोड़े इंटरवल से जलाया और बुझाया जाता है जिससे उनमें मूवमेंट फील होती है, तो इसे कहते हैं फायर फिनोमेना। और जो हमारी ये मूविंग फिल्म्स हैं ये भी इसी की ही एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप जो हम टीवी पर देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो मूव कर रही होती हैं, कैरेक्टर्स मूव कर रहे होते हैं, वो दरअसल क्या होता है कि मुख्तलिफ एंगल्स के साथ बेशुमार उनके इमेजेस कैप्चर किए हुए होते हैं और उन इमेजेस को एक ख़ास तरतीब से जब घुमाया जाता है तो फिर मूवमेंट पैदा होती है, एक्चुअली पिक्चर्स में मूवमेंट नहीं होती। तो इस फिनोमेना को यानी लाइट्स के जलने ऑन और ऑफ होने का बहुत थोड़ा सा के दरमियान थोड़ा सा गैप अगर हो तो उसमें मूवमेंट महसूस होती है, इस फिनोमेना को कहा जाता है फायर फिनोमेना। ये भी एक कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना है। एक और मूवमेंट की जो इल्यूजन ऑफ मूवमेंट की टाइप है वो है गैमा फिनोमेनन। व्हेन द ओरिजिन ऑफ लाइट इज़ इंक्रीज्ड, जब आप लाइट को बढ़ा दें, तेज़ कर दें, द लाइट सीम्स टू बी ड्राइंग नियर, ऐसा लगता है कि लाइट हमारे करीब आ रही है, जो तेज़ रोशनी होती है वो हमें अपने करीब आते हुए महसूस होती है। एंड विद डिक्रीज इन द लाइट ओरिजिन द लाइट फील्स लाइक रिसीडिंग, अगर उस मध्यम हो जाए तो आपको दूर जाती हुई महसूस होती है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस हम जो है वो रोड पर भी, एक रात के वक्त अगर हम रोड पर हों तो जो तेज़ लाइट होती है किसी भी और व्हीकल की वो हमें लगता है कि करीब आती हुई महसूस होती है, और जो डिम लाइट होती है वो हमें दूर जाती हुई लग रही होती है। तो इस तरह से ये मूवमेंट ऑफ लाइफ लाइट्स टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम अस इज़ कॉल्ड गैमा फिनोमेना, यानी तेज़ लाइट का ओरिजिन ऑफ लाइट अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो वो करीब आता हुआ लगता है, ड्राइंग नियर, और अगर उसको उसकी ओरिजिन ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो जाती है यानी डिम हो जाती है लाइट, तो इट सीम्स टू बी रिसीडिंग, हमसे दूर जाती हुई महसूस होती है, इसे कहते हैं गैमा फिनोमेना। तो हमने मूवमेंट के तीन टाइप्स पढ़ी हैं, ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट, फायर फिनोमेना एंड गैमा फिनोमेनन, तो ये तीन इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद आ जाएँ जी इल्यूजन ऑफ फॉर्म, शक्ल का इल्यूजन। रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस इल्यूजन, अ स्क्वायर लुक्स लार्जर इन विड्थ देन इन हाइट। ये आपके सामने स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, ये जो है ये हमें चौड़ाई में ज़्यादा लगता है और ऊंचाई में कम, लेकिन जो स्क्वायर है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि फिगर हुज फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसके चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं लंबाई में, तो लेकिन ये कि हमें स्क्वायर चौड़ा ज़्यादा लगता है और लंबा कम लगता है। इसी तरह से इल्यूजन ऑफ साइज, द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉल, दूर से नज़र आने वाली चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। इफ़ वी लुक एट द डोम ऑफ, अच्छा ये इसकी एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा कि बादशाही मस्जिद जो है उसके गुंबद को अगर आप दूर से देखें तो वो छोटा सा लगता है, लेकिन जब आप करीब आएँ तो बहुत बड़ा होता है। इन द सेम वे एन एरोप्लेन लुक्स लाइक अ बर्ड, छोटे से परिंदे के साइज़ का लगता है जब हम उसको दूर से देखते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो वो एक ह्यूज जो है वो ऑटोमोबाइल है, तो एक ह्यूज मतलब ट्रैवलिंग का जो मीन है वो है। तो जो इल्यूजन ऑफ साइज इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन वी फेल टू परसीव द साइज ऑफ अ स्टिमुलस एक्यूरेटली, जब हम किसी भी स्टिमुलस के साइज़ को सही तौर पर समझ ना पाएँ तो फिर इल्यूजन ऑफ साइज़ जो है वो क्रिएट होता है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग इल्यूजन है। इसमें आप देखें कि आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, ए बी एंड सी डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी लाइन जो है वो ज़्यादा, उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप में से अक्सर का जवाब होगा सी डी। लेकिन अगर आप रूलर लेकर इनको मेजर करें तो ये दोनों लाइनें लेंथ में बराबर हैं। तो होता ये है कि जो लाइंस जो हैं वो दाएं से बाएं होती हैं, यानी हमें ग्राउंड प्लेन पर महसूस होती हैं। इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो कि दाएं और बाएं खींची भी होती हैं हॉरिजॉन्टल। तो वो जो हैं वो हमें छोटी लगती हैं, और वर्टिकल लाइंस जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं वो हमें लंबी लगती हैं ज़्यादा। डिस्पाइट बींग द सेम लेंथ, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लुक स्मॉल एंड लार्ज इन लेंथ। जो वर्टिकल लाइन है सी और डी, ऊपर से नीचे आती है, वो हमें लंबी लगती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी जो दाएं से बाएं की तरफ जा रही है वो हमें उसके मुकाबले में छोटी लगती है, लेकिन इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। एक और इल्यूजन है जी, ज़ोल्नर इल्यूजन। ज़ोल्नर ने डिस्कवर किया था ये, तो इसी के नाम पर है। इफ़ पैरेलल लाइंस आर कट इनटू अ पेक्यूलियर शेप, दे डू नॉट सीम पैरेलल। इसमें आपको ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं और उनके ऊपर तिरछी लाइंस जो हैं वो लगाई गई हैं। तो ये ब्लैक लाइंस को अगर हम तिरछी लाइनों से हटाकर देखें तो ये बिल्कुल सीधी लाइंस हैं, पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस हैं। लेकिन जब हम इनको इंटरसेक्ट करते हैं तिरछी लाइनों से, तो ये भी तिरछी ही महसूस होने लग जाती हैं। तो ये जो है ये ज़ोल्नर इल्यूजन कहलाता है, कि एक्चुअली जैसी लाइनें हैं वैसी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से मुलर लायर इल्यूजन, ये बहुत ही दिलचस्प इल्यूजन है, और ये आपका प्रैक्टिकल भी इसका होता है। तो हुआ ये कि मुलर लायर एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, जिसने एक ज्योमेट्रिकल इल्यूजन डिस्कवर किया। उसने दो लाइंस ड्रॉ की। अब यहाँ आपको देखें नज़र आ रही होगी, एक लाइन है ए बी, ए बी जो है उसके अंदर एरो साइंस हैं, अंदर की तरफ दो दो लाइंस हैं जो कि एरो एरोज हैं, तीर के निशान लगे बने हुए हैं। और एक लाइन है सी डी, सी डी जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, उसके एक तरफ जो है वो दो विंग लाइक, जैसे तीर तो की तरह नहीं बल्कि परों की तरह के निशान हैं, जो आउटवर्ड्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी और सी डी में से कौन सी लाइन जो है वो लंबी है, तो बेशतर लोगों का जवाब होगा सी डी। लेकिन अगर आप रूलर से मेजर करें तो ये दोनों लाइंस बराबर हैं। तो होता क्या है कि जब हम लाइन ए बी को देखते हैं तो दो रीजंस होती हैं जिससे इल्यूजन हम फील करते हैं। एक तो ये है कि लाइन ए और बी जो है उसके एरो हेड्स जो है वो इनवर्ड्स हैं, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब हम ए से शुरू करते हैं और बी की तरफ जाते हैं, ए के जो एंड्स हैं वो अंदर की तरफ हैं और बी के भी अंदर की तरफ हैं, तो हमारी जो निगाह है, हमारी जो गेज है, वो बाहर जाने की बजाय अंदर ही महसूस चली जाती है। और इसी तरह से इनका जो एंगल है, अगर हम देखें प्रोट्रैक्टर से इनका एंगल मेजर करें तो ये छोटे एंगल्स हैं, 90 से छोटा एंगल है। जो ए और बी जो तीर के निशान हैं, इनका जो एंगल या जाविया है ये छोटा जाविया है। इसके बरक्स जब हम लाइन सी डी को देखते हैं, तो जब हम सी पर पहुंचते हैं, सी से शुरू करते हैं, तो ये जो लाइन है आउटवर्ड जा रही है, हमारी निगाह बाहर की तरफ जाती है, यानी सी से एक्सटेंड करके बाहर की तरफ चली जाती है, और हमें लाइन सी डी लाइन ए बी से बड़ी लगती है। और इसी तरह से अगर आप सी से एंगल को मेजर करें तो ये 90 से बड़ा एंगल है, जाविया जो है उसकी मेजरमेंट अबव 90 है, वह 120 तक का ये एंगल है। तो होता ये है कि जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं लाइंस को, तो हम उनके एंगल्स को कंपेयर कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। छोटे एंगल्स वाली जो लाइन है उसकी लेंथ हमें कम लगती है। और इसी तरह से जब हम देखते हैं तो हमारी आई मूवमेंट जो है ए बी को देखते हुए इनवर्ड्स हो जाती है, जिससे तंगी और छोटा होने का इल्यूजन पैदा होता है। और सी डी को देखते हुए हमारी निगाह बाहर की तरफ जाती है, जिससे कुशादगी या खुला होने का इल्यूजन होता है, और हमें लाइन सी डी जो है वो ए बी से बड़ी महसूस होती है, जबकि दोनों की लेंथ जो है वो 60 मिलीमीटर या 6 सेंटीमीटर है। तो ये इल्यूजन जो है ये एक कॉमन इल्यूजन है और दिलचस्प इल्यूजन है। उसके बाद आ जाए इल्यूजन ऑफ स्पेस। इफ़ वी फेल टू हैव एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्टिमुलस इन आर विजुअल फील्ड, स्पेस इल्यूजन अकर्स। इन स्पाइट ऑफ बींग फार अवे, माउंटेन्स अपीयर नियरर इन द वैलीज। कि अगर हम जैसे स्पेस परसेप्शन में आपने पढ़ा था कि
डिस्टेंस डेप्थ एंड विड्थ एंड लेंथ. अगर हम सही तौर पर महसूस ना कर सकें तो वो स्पेस इल्यूजन होता है. जैसे अगर आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हो तो दूर दूर के पहाड़ भी ऐसा लगता है कि करीब हैं आपके, अभी आ जाएंगे वैली में, हालांकि वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं. तो इल्यूजन ऑफ वेट, ये भी बड़ा कॉमन एक इल्यूजन है. सम ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लाइट एंड सम हैवी. अ लार्ज साइज बट लाइट ऑब्जेक्ट इज़ परसीव टू बी हैवी, वाइल अ स्मॉल साइज बट हैवी ऑब्जेक्ट इज़ कंसीडर्ड लाइट. अगर आप कॉटन और आयरन, लोहा और कपास, इनको कंपेयर करें तो 1 किलो जो कॉटन होगी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका साइज़ बड़ा होगा क्योंकि वो हल्की होती है, तो काफ़ी सारी जो कॉटन है वो 1 किलो में आएगी, यानी एक बड़ा गट्ठड़ सा बन जाएगा उसका. और 1 किलो जो आयरन होगा वो आपको छोटा सा फील होगा, मतलब उसका साइज़ काफ़ी कम होगा, ज़रा सा इतना सा होगा, एक बॉल के बराबर उसका साइज़ होगा, तो वो 1 किलो या उससे भी ज़्यादा होगा. तो हम जो है वो चीज़ों की अपीयरेंस से उनकी वेट का अंदाज़ा करते हैं. हमें ऐसा लगेगा देख कर कि ये बहुत सारी कॉटन है, और आयरन को देख कर हमें लगेगा कि ये छोटा सा है या इसका वेट कम होगा. तो इस तरह ये इल्यूजन ऑफ वेट होता है. और उसके बाद जो अगले एरिस्टोटल और डायरेक्शन, इसको आप छोड़ दें. और इल्यूजन जो है वो है हेरिंग इल्यूजन. ये जो है इससे क्या मुराद है कि टू स्ट्रेट वर्टिकल लाइन्स, ये दो लाइंस आपको दरमियान में नज़र आ रही हैं और उनके ऊपर और नीचे जो है वो एक रेज की तरह की स्ट्रक्चर है, जो ऊपर नीचे और ऊपर लाइंस मूव कर रही हैं. तो द स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस बिकॉज ऑफ द लाइंस एट बोथ साइड्स डू नॉट लुक स्ट्रेट. ये हमें स्ट्रेट नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लगता है कि दरमियान में से थोड़ी सी आउटवर्ड्स ऊपर की तरफ उभरी हुई हैं, ऊपर और नीचे की तरफ उभरी हुई हैं या मोटी हैं. They rather seem to be distended at the center and bent inwards at the ends. तो ये जो है ये illusion है, ये actually straight lines हैं, लेकिन इन दो lines जो ऊपर और नीचे हैं उनकी वजह से इनमें जो है वो illusion पैदा हो रहा है. और एक और illusion है Ponzo's illusion. Ponzo, the two parallel lines of the same length do not look equal in length because of the lines at sides. ये देखें, ये जो दरमियान में तीन लाइन्स हैं जिनके ऊपर लाइन बी लिखा हुआ है और ऊपर जो है वो लाइन ए लिखा हुआ है, तो ये हमें लाइन ए जो है वो हमें लाइन बी से बड़ी महसूस होती हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बराबर है. तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिकल शेप्स और फॉर्म्स हैं, दे क्रिएट कन्फ्यूजन और दे प्रोड्यूस इल्यूजन, धोखा खा जाते हैं और हम सही तौर पर उनको परसीव नहीं कर सकते. तो ये सारी जो थी इसकी टाइप्स थी, इनके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन यूजुअली आ सकता है, आ जाता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इल्यूजन या डिस्क्राइब कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ इल्यूजन या व्हाट इज मेंट बाय इल्यूजन, डिस्क्राइब कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ इल्यूजन. तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के आ सकते हैं, या फिर इल्यूजन की कॉजेज़ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या राइट डाउन एनी टू कॉजेज ऑफ इल्यूजन, या व्हाट इज़ मेंट बाय मुलर लायर इल्यूजन, या डिस्क्राइब एनी टू और थ्री टाइप्स और फोर टाइप्स ऑफ इल्यूजन. तो वो फिर आप जो भी जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा. तो इस चैप्टर में से जितना आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया है, लेकिन इस चैप्टर के हवाले से जो आपका सिलेबस है उसमें 3-4 और पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में नहीं हैं. उनमें से एक तो है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको हम छठी हिस कहते हैं, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लीप साइकिल्स, ड्रीम्स एंड साइको एक्टिव ड्रग्स. ये सारे आपके बुक में नहीं हैं. मैं कोशिश करूँगी कि कुछ जो है वो आपको स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं, और आप फिर यह है कि मैं उनको स्लाइड्स को स्लोली मूव करूंगी ताकि आप जो है उसको नोट डाउन कर सकें, क्योंकि बहुत डिटेल बहरहाल हमें इनकी नहीं है रिक्वायर्ड. तो जितना भी जो भी मटेरियल होगा वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता दूँ, क्योंकि अभी कॉलेज आपका फर्स्ट से खुलना है और अभी आपकी ज़ाहिर क्लासेस होनी है. तो जिस भी टॉपिक्स के मटेरियल मुझे मिल जाएगा और मुझे लगेगा कि वो आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है तो वो मैं शेयर कर दूंगी. जो रह जाएगा वो फिर हम कॉलेज खुलने के बाद उसके कोई फोटोकॉपीज़ या नोट्स वगैरह
जो है उसके उस तरीके से फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो अब यह है कि आपने प्लीज़ साथ साथ पढ़ते रहना। एग्ज़ाम जो है वो आपके अब 25 जनवरी को नहीं है, मिड टर्म फेबररी के सेकेंड वीक में एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह जब आप आ जाएंगे कॉलेज तो फिर आपको उसकी डेट्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो लेकिन यह कि आप पढ़ते रहें, टाइम थोड़ा सा आपको और मिल गया है तो आपकी अपनी तैयारी पूरी रखें। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।